पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरठ में आज दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लूट करके भाग रहे चार बदमाशों में से 50,000 का इनामी बदमाश जुबेर मुठभेड़ में मारा गया। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में एक सिपाही और सीओ दरोगा भी बदमाशों की गोली से घायल हो गए। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर हत्या, रंगदारी जैसे एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। खेतों में छिपकर तीन बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में कॉम्बिंग जारी है। दरअसल आज थाना दोराला पुलिस को एक मोटरसाइकिल लूट की सूचना मिली, जिसके बाद दोराला पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ी। पुलिस को पीछे आता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक फायरिंग होती रही, जिसमें पुलिस का एक सिपाही और सीओ दरोला बदमाशों की गोली से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश जुबेर भी मारा गया और बाकी बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि जुबेर 50,000 का इनामी था और हाल ही में उसने सूरत में एक व्यापारी की लूट के बाद हत्या की थी और मेरठ में भी रंगदारी नहीं देने पर दो लोगों पर फायरिंग कर चुका है। जुबेर मेरठ और अन्य जिलों में सक्रिय बदमाश था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और बदमाश कुछ भाग गया। पुलिस टीम के भी गोली लगी। देखिए, अभी कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट ली है। इस सूचना पर जो संबंधित थाने के जितने भी अधिकारी वो मौके पर पहुंचे और एक मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कुछ बदमाश मौके से भाग गए। जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल को एक जगह पर भागते भागते उन लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद खेतों के अंदर चले गए। खेतों के अंदर कुछ मुठभेड़ हुई, कुछ लोगों का पुलिस ने पीछा भी किया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश इंजर्ड हुआ। इंजर्ड बदमाश को पुलिस हॉस्पिटल भेजा गया है और जहां पर अभी बताया गया है रफली 4 बजे के आसपास हॉस्पिटल में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जो बदमाश था उस पर 50,000 रुपये का इनाम था। उसका नाम जुबैर है, लेसारी गेट का रहने वाला है। पूर्व में भी काफ़ी जगह हत्याएं और घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं। अभी सूरत में जब व्यापारी का मर्डर और लूट की घटना कारित की गई थी तो उसमें भी जो है इस व्यापारी का, इस बदमाश का नाम आया था। कुछ ही दिन पहले अभी दो लोगों को इसने रंगदारी के लिए गोली भी मारी है थाना लेसारी गेट क्षेत्र में, और फलावदा में भी कई सारी घटनाएं इसके द्वारा कारित की गई हैं। तो ये चीजें अभी पुलिस को पता लगी हैं। पुलिस अभी और गंभीर छानबीन कर रही है और क्या चीज निकल के आती है वो आपके सामने देखते हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? करीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी, और अभी डिटेल जरा देख के बतानी पड़ेगी। और कितनी गंभीर इंजुरी है ये तो हॉस्पिटल में पता लगेगा।